आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं, एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलू में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हम उस महान परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। उसका वचन सदा के लिए, हालेलुया। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके वचन में जितना देखो, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे, उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलती जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में है प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में प्रकाश, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। आनंद मनाते हुए वचन सत्य और जीवन है, उसका वचन है सत्य और जीवन, और वो तुम्हें आगे बढ़ाने के योग्य है, बढ़ाने के योग्य। उसका वचन है सत्य और जीवन, और वो तुम्हें बढ़ाने के योग्य, बढ़ाने के योग्य। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे, उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में उसने बदलते जाओगे। उसके वचन में जितना देखोगे, उसके स्वरूप में बदलते जाओगे। कि उसका वचन तेरे पैरों के दीपक है और रास्ते में प्रकाश, रास्ते में प्रकाश। कि उसका वचन तेरे पैरों के लिए दीपक है और रास्ते में प्रकाश। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन हमेशा रहेगा। वचन सत्य जीवन पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन हमेशा रहेगा। और वो तुम्हें बढ़ाने के योग्य है, हालेलुया। उसका वचन है सत्य जीवन, वो तुम्हें बढ़ाने के योग्य। उसका वचन जितना तुम सुनोगे, और विश्वास नहीं बढ़ते जाओगे। कि उसका वचन जितना तुम सुनोगे, विश्वास में उतने ही बढ़ते जाओगे। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन हमेशा रहेगा। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, उसका वचन सदा के लिए, हालेलुया। उसका वचन हमेशा रहेगा, हालेलुया।
और पृथ्वी टल जाएंगे पर उसका वचन हमेशा रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। स्वागत है आपका आज के सुंदर दिन में। ये समय है प्रार्थना का, जहां कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति प्रशंसा करें, अपने मुंह को खोले परमेश्वर की स्तुति और आराधना। ओ हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। ओ हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब हम प्रार्थना करने वाले, हमारे प्रार्थना का पहला बिंदु, हम प्रार्थना कर रहे हैं भारत देश के लिए। पहला तीमोथियुस का दूसरा अध्याय और पहला और दूसरा वचन कहता है, अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। प्रार्थना कीजिए अनिवार्य वैक्सीन के विरोध में। घोषणा कीजिए कि ऐसे सारे नियम जो वचन के विरोध में हैं, सब नीचे लाए जा रहे हैं हमारे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर। अब परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हर वैक्सीनेशन के विरोध में, कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर वैक्सीनेशन मैंडेटरी नहीं रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हर जगह से परमेश्वर अनिवार्य वैक्सीन की परमेश्वर रिक्वायरमेंट हर जगह से हट रही यीशु मसीह के नाम में। पूरा भारत मुक्त है वैक्सीन से यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। अब हर प्रकार के इस तरह के गलत नियम परमेश्वर हटाए जा रहे, उन्हें नीचे गिराए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर। हर जगह आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल होगी, हर जगह आपके आपके वचन आपकी सत्यनिष्ठा प्रबल हो रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में।
आमीन। हालेलुया। हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्माओं के उद्धार के लिए भारत देश में। सभोपदेशक उसका 11वां अध्याय और 3रा वचन कहता है, यदि बादल जल भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। मत्ती उसका 9वां अध्याय और 37वां वचन कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं, आत्मा की अन्य भाषा में जुझारों से प्रार्थना कीजिए हमारे देश में और शहर में आत्माओं के इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। रीप रोज सारा लमान दे लेके तेरे बदो तरीके से किया लेके इस आंख लो शहान तरा ले ब्राला सीरो लो सहान लेके दे लेके दो तरीके से करा ले ग्रास ई दो रो दले वो शहान ले ब्राला मान दे ले की सबाहा ला बरिगास अधिक लो शेर ला सो लहीर लेके जाल लो सहा ले बरिगा ला रमांग लो तरीके से किया लेके इधर लबा ले ब्रास सही रे लेके इस आरे लो शेर ला ही सरान करा लबा ले ब्रो लो शेर ले बहुत सहा ले ब्रो तेरे के सीरे लेके इतहा ले ब्रो लो को सही के तेरे ले बहुत तेरे के सीरे लेके तेरे कलाम लो तेरे के सीरे लेके तेरे बदाम द्रो तरा ले ब्रा ला मान तेरे के तेरे बदों तेरे के सी तरा ले ब्रा ला कारो लो जेर ला को जारो सारों ने ले गजीरा ला गजीरा ला गजीरा लेके रहा तो लो सहा ले मान दो लो तेरी गजीर लेके शाम लो तेरे के सी तरा ला बाबा ब्रो जेरे ब्रा ला कीरे ने बहुत सहा ले ब्रांड लेके तेरे बदेर लो शांति लेके आला हाजे आला जरे आला दरे के तेरे बदों दरी गजान लो दों दरी गजी दरे गांड ले गांड ले गांड ले गरो सा ले ब्रा ला बार लो सही ले के शांत लो दरी गजी रला ले गास उरी कसा अंत तीर ले बो शहाद ला लिब्रा से के लिब्रा ला कौजे रा लो सारो सारो जरी ग्रांड लो दरी गजा लिब्रा ला मान ले के तेरे बदेर लो शहाद रा ले बास उरी का असर लहान ले के दे लो सहाद रा ले मेमे गो जहांग रे गे दो रो तरी गजीर ले बो चांद ला ले ब्रा ले बारो लो जे ले बो रा ले गजार ला खांद लो दरे मेरो दरे बो जहांग दीर लो सहांद ले लिबार लो बो जहा लिबार लो बो जहीर ले बो शांग दीर ले गजा ले बाबा रा ला गोंद रा ला का दोंद रा लो तरी गजीर ले बो शांग दी गजा हिरिंग दर ला मोंद रे गजीर ला बांद लो तरी गजीर ले गजीर बदान लो तरी गजीर रे है ले गे जहा ले गजीर ले गे शांग लो तरी गजीर रा ले बेरो लो सहारे ब्र ला मेरे इंद ला बांद रा मीर लो शार ला कीज आर ला कीज रे के दर लो जहा ले ब्रा दरे गजीर ले गे दर आंद लो दरी जरे ले ब्रो लो जीद ले गे शांग लो दर हां दरे ले मांग करो लो सहा लिब्रा अदीर ले बोल सा अंक दिरे लो गो सहा लिब्रा 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 लांग लो दरी गजा ले ब्रा लकान लो दर हे जरा कोश इरिंग दर ले गे सहां दला ले गे जारां दर ले बोल सहां दला ले गे जहा लिब्रो लो दर गजीर ले गे दर मांग ले ब्रा ला मांग ले ब्रांग ले ब्रांग ले ब्रोज जीद ले ब्रोज इरे कोश आकादीरा आकादीरा ले क्रोस आंद ले क्रो लुजिक लोश आंद ले गदीर ले कोश आंद ली गजा ले मादा दा मान लो जहीर ले बोश आंद ले लिब्रा ला मान ले गदर बदों दर गजी दर गदर बदाम लो दर गजी दरा ले ब्रा ला कोश हारे गजीर ले गे इस आरो स आंक देर ले गजा ली गा दो रोलो सहा ली ग्रास सहे रे गे इस आंक लो जीर ले बोश आंद ली गजी दरा लिब्रा ला मान ले गदर बदों दर गजी ले गे शहा ली ग्रास आले ग्रहा ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ये हमारा बादलों के बादल इकट्ठा होने का समय है परमेश्वर, ये वर्ष हमारा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, हमारे देश में परमेश्वर आत्मा इकट्ठा हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, आत्मा इकट्ठा हो रही है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे चर्चेस में, हमारे सेल में, हमारे सेंटर्स में, हर डिस्ट्रिक्ट में परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, आत्मा इकट्ठा हो रही यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं पहला तीमोथियुस के 2रा अध्याय और 4थे वचन के अनुसार, जो कहता है, जो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो जाए और सब सत्य को भली भांति पहचाने। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, पड़ोसी और दोस्तों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को उनके प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। ले गास अरीगा सरीगा सरोदले
लेबेरो बोझा लेबोर हांदलाहा लेबोरों दरे के जेरे लबोशा लेग्रेज आलां दरे के दरी कुजोल लोंदों दरे मुरों दरे ब्रों दरे ब्रों दरा लेब्रों दरे के जेरे लेबों दरे के जेरे महां दरे बो शही दरा लेबोर हां दरे के जेरा लेबोर लेगेर बों दरे के जेरे लेगेर दरे के जेरे लबों शही दरे के जा लेबो दरी गजीर लहाद लेग दी लो सही दरा लेब्रान दरे गोज इन दरे के दरबदां लोन दरे के सीधे के दरबदां लोन दरा लेब्रान सही लो शे लेब्रोस आले गदा लो जहीर लेग दी लो शहा लमा मरांद लेग दी लो जहीर मांग देर लो हो जहा लेब्रा लग देर बोदों दरे बोन दरे बोन दरे गजीर लहाद दी गजा मेरों दलहा मेरों दले गे इस अंक लो शहा मेरों दा मांद ले वेरो बोश इन दले के दर लहाद दले के दर बोदों दरा Libras de Gero Boschendara, Lebosha and Ligze, Lobosha and Dir Legaza, Labahase, Lebosha Alehez, 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 Alonga Legaza, Le Gradana Ligose, Lebora Laman, the Legator of the Dero, Dera, the Isaran, the Deros, Andala, Legos, Ankadir, Legos, Intelegator of the Andalon, Rigazidara, Lebosha Ale, Legaz, Arlo, Wonda Rigaza. Libarabado Rosa, Libra Londregaza, Libra Locos, Eric de Rez, Anglo Sidera, Le Rele, Le Ligota Riga Zarma, Anglo Riga Zirava, Lebora Libros, Interos, Ankle Legaz, Amantolosa, Lebra Lama, Lebra Labaha, Lebra Labaha, Bohus, Are Legazaha. Oh, Hallelujah! Oh, Hallelujah! Tanevat Permission, Tanevat Permission. A permission get him married. पड़ोसियों के लिए हमारे दोस्तों के लिए परमेश्वर अब परमेश्वर हमारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर अब परमेश्वर सुसमाचारों तक तेजी से पहुंच रहा है यीशु मसीह के नाम में अब परमेश्वर यीशु को ग्रहण कर रहे हैं वो सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं यीशु उनके जीवन का प्रभु और स्वामी बन रहा है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर वो अंधकार में नहीं रहेंगे वो अंधकार में नहीं रहेंगे वो प्रकाश में आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद परमेश्वर और सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं आमीन
दिया तूने कुछ ना लिया तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा जो ना था मांगा वो भी दिया तुझसे क्या मांगू है मेरे खुदा जो ना था मांगा वो भी कुछ दिया से क्या मांगू है मेरे खुदा चुना था मांगा वो भी दिया से क्या मांगू है मेरे खुदा चुना था मांगा वो भी हालेलुया प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज लॉर्ड। आज दिन रविवार दिनांक 6 मार्च 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है सुसमाचार का प्रचार करो। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है रोमियो अध्याय 1:1-4 तक जो कहता है पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि यीशु पवित्रता की आत्मा के द्वारा मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। वह सर्वदा जीवित है। हालेलुया। ध्यान देने के लिए अति सुंदर दूसरी बात है परमेश्वर का पुत्र पद बंध का वास्तविक अर्थ। इसका अर्थ है मानवीय शरीर में परमेश्वर और यही कारण है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि उनकी व्यवस्था के द्वारा यीशु ने अपने आप को परमेश्वर के समांतर बताया जब उसने कहा कि वह परमेश्वर का पुत्र था लेकिन वह स्वयं परमेश्वर है। बाइबल यही दर्शाती है। हालेलुया। तीतुस अध्याय 2:13-14 उसे महान परमेश्वर कहता है और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार की बुराई से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। यही वह यीशु है जिसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में उसके पुनरुत्थान के बाद जब उसने अपने चेलों से बात करके उनके सवालों का जवाब दिया बाइबल कहती है वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1:9 में। हालेलुया। उन्होंने उसे ऊपर स्वर्ग में जाते देखा। वह अचानक से गायब नहीं हुआ वह उनकी आंखों के सामने ऊपर उठा लिया गया। हालेलुया प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1:10 में यह इस विश्व में होने वाली सबसे महिमामय वस्तु थी। यीशु ना केवल वह मरे हुओं में से जीवित हुआ बल्कि भौतिक रूप से ऊपर भी उठा लिया गया और वे उसे देख रहे थे जब वह स्वर्ग में ऊपर गया। धन्य है परमेश्वर। बाइबल कहती है कि दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और चेलों से कहा हे गलीली पुरुषों तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो
यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 1:11 में। यही वह घोषणा है जो आज हमें संपूर्ण विश्व के सामने अवश्य ही करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे पूरे विश्व में हर किसी को बताओ कि यीशु मरे हुओं में से जीवित हुआ था और वह स्वर्ग में चला गया, वह फिर से आ रहा है। यह आपका काम है कि इस सुसमाचार को हर जगह प्रचार करो। अपने आसपास के लोगों को जानने दो कि यीशु फिर से आ रहा है और यह उनकी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह समय घोषणा का। आप जहां कहीं पर भी अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे पीछे ये घोषणा कर सकते हैं, बोलिए, मेरे आसपास के सब लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने के अपने उद्देश्य में मैं निर्भीक और जुनूनी हूँ, क्योंकि मैं विश्व में प्रभु की महिमा और सत्यनिष्ठा का वाहक हूँ, उसकी दयालुता और अनुग्रह का वितरक। मैं अभी प्रार्थना करता हूँ कि आज देशों के ऊपर सत्यनिष्ठा उंडेली जाती है, परिणाम स्वरूप राज्य में आत्माओं की एक बाढ़ आएगी। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 10:14 और रोमियो अध्याय 1:16-17 और एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11:27-12 अध्याय 12:17 तक और गिनती अध्याय 18-19। हालेलुया। और आप दो वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 24:22-27 और भजन संहिता अध्याय 59-60 तक। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। हालेलुया। ये मेरे पति की गवाही है। वो काम पे गए थे, वो फर्नीचर काम करते हैं और काम करते समय उनके सीने पे लकड़ी गिरी और उनको चोट लगा। और शाम को जैसे वो घर पर आए काम पर से, तो बोले कि मुझे दर्द हो रहा है। तो मैं बोली क्या हुआ, तो बोले कि ये लकड़ी का आज लकड़ी मेरे ऊपर गिरी और दर्द हो रहा है। तो मैं बोली लाओ मैं प्रार्थना कर देती हूँ, आप चंगे हो जाओगे। तो मैं प्रार्थना की, वो चंगे हो गए। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आयोजक पास्टर का धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। गो अवे। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। आदेश देता हूँ बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूँ उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे
बारे में महान है, तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन में महान है, तूने जो किया मेरे लिए वो महान है, तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम, तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है, तेरा वचन मेरे जीवन महान है, तूने जो किया कोई और नहीं कर सकता, हाँ वो महान है, तुझे चाहता मेरे लिए वो महान है। ओ तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह लिए हाँ वो काफी है, तू जो सपने मेरे लिए दे मेरे लिए वो महान है, तू जो विचार मेरे बारे में वो महान है, और तू महान परमेश्वर है, गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है, पूरा हाथ दे रे 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 कहा तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है, वो महान काम उसने हमारे लिए किया, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो महान महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शखंदरी खलब अंदरी खरब सही से करब अंदर लॉर्ड, हे प्रभु तैं अद्भुत अस, तैं अनोखा अस प्रभु, तैं सामर्थ्य अस, महिमा मायस प्रभु, अपार महिमा के राजास, सब में शक्तिशाली अस, बुद्धि से भरे और जिंदा अस, पूरा संसार है तोरे, संसार के सब देश हर तोरे, धन्यवाद हमल अपन आत्मा के संग चलाए बर, वचन के ज्ञान दे बर, विजय दे बर, हमल अपन मंदिर बनाए बर, धन्यवाद, धन्यवाद हमन के द्वारा अपन राज्य लाए बर, धन्यवाद इस समय पर प्रभु, आत्मा सीखे बर, हन कहत हन के हमन के आत्मा हन के मस्तिष्क खुले प्रभु, वचन ला सुने बर, ग्रहण करे बर, और प्रार्थना ला यीशु मसीह के नाम में मांगत हन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, बैठ सका था, चिल्ला सका था, महिमा
पड़ोसी ले स्वागत करके बोला, स्वागत है तुम्हार, खुशी होइस तुम्हारा देख के। प्रेज द लॉर्ड। हमन करीब एक महीना ले बातचीत करत हन मसीहत के तीन बल के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। और हमन कहें कि अगर तुमन ये तीनों बल जानता हो तो ओला आप मन अच्छा से इस्तेमाल कर सका और हमेशा आगे बढ़त रही। प्रेज द लॉर्ड। हमन बार बार कहें कि परमेश्वर नहीं चाहे कि हमन के जीवन में कम ज़्यादा होए। परमेश्वर हर नहीं चाहे कि कभी हन के जीवन है नीचे आवे और कभी ऊपर जावे। तभो ले बहुत झन के जीवन में ऐसे देखे बर मिलते, थोड़ा से परेशानी हर उमन के जीवन हिला देते। अगर दो दिन काम में नहीं आई तो उनके जीवन हाँ डावाडोल हो जाते। शायद उमन पता नहीं रहे कि जीवन कैसना चलते। उमन लागते कि पैसा के ताकत है सबले बड़ी ताकत है। उमल ये भी पता नहीं कि कौन सा बल उमल पता हवे। और हम उन मसीह के तरह वही वस्तु ले इस्तेमाल करथन अपन जीवन ले एकत्रित करे बर, सही ना। अवला में कहता आधा हकीम खतरा की जान। प्रेज द लॉर्ड। मोला पता नहीं है कि शायद तुमन आधा हकीम के कहानी ले सुने कि नहीं सुने। तो कहानी ऐसे कि एक हकीम जी रही से, ज़्यादा तो नहीं यात्री से लेकिन फिर भी वो हकीम रही से। तो ओकर मम्मी है रोकर बर रोटी बनाईस और पता नहीं है एका करती से लेकिन एक हाथ है जल गए तावा है तिपेरी से। ओकर अम्मा है जा करके वो तावा ठंडा पानी में बोर दीस, तावा है ठंडा हो गए। ओकर बाद हकीम है गईस दूसरे गाँव, वहाँ एक जब बच्चा रिसे जल बुखार में तिपेरी से। तो हकीम जिला याद आईस आरो बच्चा ला ठंडा पानी में बोर दीस, वो बच्चा है मर गए। उसने बहुत झन लोग मन मसीह जीवन जीते और तवा के कहानी जैसे मैं आके जीवन में बोर दे थे। उनके जीवन बुड़ जाते, अब उन्हें पता नहीं रहे कि जीवन कैसे जीते। जैसे मन पहले जियत रहते उसने चर्चा में का भी आके भी उसने जीते। उमन के जीवन ऊपर जाए के बदला में डूबा जाते। नीम हकीम खतरे। उसने अगर आप मन ये बल समझा तो आप मन के जीवन है कहाँ जही ऊपर। मैं हरसने जीवन जीता हूँ तो कोई मुला हिला नहीं सके। आप मतलब मोर जीवन के बारे में पता होगी लेकिन मोर जीवन हिले या नहीं ओकर बारे में पता नहीं होगी। पता है बार की मोला जीवन के बल पता है। मोला पता हवे कि चुनौती आते तो का करना है, काबर की वो चुनौती मोर जीवन ला मत हिला सके। तो वो ओकर जैसे जैसे कोई बाल्टी में पानी लेके जाते, कतका झा बाल्टी में पानी लेके गया, कतका झन गया, सब गे हो ना बाल्टी में पानी लेके जाते ऐसे 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 फिर हाथ दर्द करी तो बाल्टी नीचे गए, याद है। फिर उकर बाद थोड़ी देर के बाद कहा ये हाथ से बाल्टी है ये हाथ में, फिर उठाया उकर बाद फिर कहोगे कबर की जितका अपन उठाहा बल लगी उतना उम्र नहीं रिसो हाथ में। तो बाल्टी कसना होती से ऊपर और नीचे, ए पार ओ पार। उसने काकरो जीवन है ऊपर और नीचे, ए पार और ओ पार। काबर के उमन के जीवन में काम नहीं करती चाहे उमन के पास उड़े कुछ नहीं है। जितना टाइम तक बल काम करी उतना टाइम तक जीवन ऊपर रही, ओकर बाद फिर नीचे हो जाही, फिर देरी पार फिर जमनी पार। ऐसे सुधार की कोशिश करी ऐसा नहीं सुधरी तो वैसे सुधार की कोशिश करी। ये चर्च में भी उसने परेशानी है, इसे थोड़ी देर बाद थक के बैठ जाते और बोलते मोर से बाल्टी नहीं उठाए। तापमन खुश नहीं है, परेशानी है कि बाल्टी परेशानी बाल्टी न है लेकिन का करे ताकत के जे हर उमन के हाथ में रही से। प्रेज द लॉर्ड। ई बाल्टी ला फिर आपन कामा रखा, ट्रॉली में रख दवा तो आराम से चल दी। बाल्टी आसान है काबर की बाल्टी काम आ गई ट्रॉली में, काबर की ट्रॉली के अंदर उतना कन ताकत है कि वो बाल्टी उठा सकते। परेशानी बाल्टी नो है लेकिन परेशानी लोग मन काला बता देते। जिंदगी जीवन बहुत बेकार चीज है भैया, यह बहुत उलझे है, जतका वाला समाधान कर वो उतने और समस्या ही काला समस्या को परेशानी बताते। नाच नवे आंगन टेढ़ा सुने है ना। मन जीवन के ही बुराई करते, जीवन बेकार है, जीवन जीना बहुत मुश्किल है। मैंने का मुश्किल है तोला बल पता है वह का आप मतलब बल के बारे में पता है। जीवन में आप मन लगाव कर ताकि आप मन के जीवन स्थिर रहे आगे बढ़े ऊपर उठ जाए, आगे बढ़े और ऊपर उठे। कहें मसीह के कतका कन बल है, तीन ठो। मसीहत के यात्रा, मसीहत के काम और मसीहत के लड़ाई। युद्ध ला आप मतलब रोज लड़े बर लागी, आत्मा बर आप मतलब लड़े बर ही लागी। अगर आप मन सेल लीडर है और आप मन के लोग नहीं आते तो आप मतलब युद्ध लड़े पर लागी, मतलब प्रार्थना करे पर लागी। और मतलब अगर आए की इच्छा नहीं था ऐसा नहीं होए, आने की इच्छा नहीं तो मतलब खींचे बर जो बल चाहिए ओला तुम नहीं लगाया, ओला जे हर प्रार्थना के संग मलक थे। जब आप मन ओकर लिए एक घंटा प्रार्थना करे रहता
साफ मतलब बल मिलती ओला चर्च में आए बार, लेकिन तुम्हारे उतना कन प्रार्थना तो करे नहीं है ओमन के ऊपर लिए ताकि ओमन के आत्मा विकसित हो जाए। पर आप मन नहीं लगे शायद कि ओमन सुनना नहीं चाहते, लेकिन परेशानी ये नहीं कि ओमन सुनना नहीं चाहते, परंतु जो बल है ओमन के करा जिले ओमन नहीं लगे। सोच के देखा वैक्सीन के बारे में, फोनों में भी देखा मास्क लगा लेवा वैक्सीन लगा लेवा, मीडिया में भी कहते मास्क लगावा वैक्सीन लगावा, हर जगह का करे थे मन मास्क लगाओ वैक्सीन लगाओ, उमन हर जगह का करे थे बल लगाते, सब जगह ले उमन बल लगाते काबर की लोग मनोबन के सुन सके। लेकिन जब तुमन कही था कि मोर पड़ोसी नहीं सुनाते मोर रिश्तेदार मन नहीं सुनाते, तुम्हें पता है क्यों का कहते? कतका झन मन कभू बीमा के एजेंट बने हवा, LIC के कौन बने हवा, ये सब होते ना मर जावा पैसा ले ला हाथ उठा लेवा, पर होते ना कि बीमा करा लेवा, डर रहे थे मन कतका झन करे हैं। मैं कुछ नहीं करा परंतु देखा था फ्रेज कह रहे ना अपन, हाँ ओके वो होते ना मार्केटिंग, जैसे कोई 500 रुपये का साबुन खरीद लेवा के थे अवला पड़ोसी बेच दे दोस्त मतलब बेच देवा, वो मन जो आप मैंने सिखाए है ध्यान से सुना अपन का दिखाए से कि चिंता मत कर हा। और ये देखा तुम उनके पास अतका झन दोस्त हवा कितका झन रिश्तेदार हवा कतका झन पड़ोसी हवा, ये मतलब बेच देहा तो तुम्हारा इनाम मिली प्रॉफिट मिली। वो मन भी पता है कि वो मन तुमन के बगैर तुमन के दोस्त तक नहीं पहुंच सके। आप मन काबर लगते कि आप मन के दोस्त मतलब सुसमाचार सुनाए बर दूसरा ही उसका बुद्धि ओमन कर अभी है, वो मतलब पता रहते कि तुमन के बिना वो मन तुमन के पड़ोसी तक भी नहीं पहुंच सके, आप मन के रिश्तेदार कर अभी आप मन के बिना नहीं पहुंच जाए। तो जब आप मन मसीहा और आप मन लगते कि आप मन के रिश्तेदार ला बचाए बर कोई दूसरा ही, तो आप मतलब पता नहीं कि का होते, आप मन के दोस्त ला बचाए बर दूसरा नहीं आए, आप मन के पड़ोसी बचाए बर दूसरा मन नहीं आवे, आप ही मना जे वहाँ तक पहुँच सका था कोई दूसरा नहीं है वो मेरे पहुँचाए। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला मल भी पता हवा और बीमा वाला मल भी इसने पता है भाई। तो ये मत कहिया कि मैं मन पर प्रार्थना नहीं करा, अपन मेंबर मन पर प्रार्थना नहीं करा, अपन पड़ोसी पर प्रार्थना नहीं करा, तो कौन कर ही? अगर तू मन नहीं बचा होला तो कौन बचा ही? कौन हर आप मल बताइए कि तू प्रार्थना नहीं कर रहा कोई दूसरा कर ही? कौन हर कहीस? यह लड़ाई है, यह बल है प्रार्थना के बल, प्रार्थना के साथ प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, एक घंटा दो घंटा अपन सेल लीडर संडे के चर्च एक सेल लीडर अगर 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना नहीं करे तो मुझे भी पता नहीं है कि वो सेल लीडर हो कि नाते हो कैसे प्रार्थना करती है। आप मन कई साल ले चर्च माँ था, अगर आप मन 1 घंटा 2 घंटा प्रार्थना नहीं करा था वो चर्च माँ तो वो नहीं जाना, तो आप मन पता नहीं कि मसीह हो कि मतलब का है, मन को जीत के नहीं ला अकेले चले आवा, आप मन पता नहीं कि मसीह हो कि मतलब का है। और तब आप मन कहता कि अपन जिंदगी आगे कैसे नहीं बढ़ाते, कबर यही लोग मन कल आप मन भड़का ही, आप मन के दोस्त रिश्तेदार मन आप मन के दिमाग में उल्टा सीधा बात ला भर दी, काबर की आप मन मन के दिमाग में अच्छा बात ला नहीं भरिया, फिर आप मन के यहाँ उनके ऊपर प्रेशर हवा है, काबर की आप मन की जगह बुद्धि नहीं रही से, आप मन ए मला बदले नहीं है। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। ओ काय मसीहत के युद्ध, बोला मसीहत के लड़ाई, मसीहत के लड़ाई जिला आप मन लड़े बर छोड़ नहीं सकाओ, अपन घर के लोग मला मसीह के बारे में बताना हो मला चर्च लाना नहीं छोड़ सकाओ, दोस्त रिश्तेदार पड़ोसी मन ला कौन लाही अगर तू मन नहीं लहाता, यह बल बोला बल इला मन का के थन मसीहत के लड़ाई, का के थन मसीहत के लड़ाई याद रही ना, बोला ताकत लगावा प्रार्थना माँ, ताकत लगावा बल लगावा प्रार्थना माँ बल लगावा, जब तक प्रार्थना करा जब तक अपन प्रार्थना नहीं कर पाहा मुला पता हवा कि मैं का कहे हूँ, अपन की हड्डी अंदर से आते फट जावा, आप मन पता है कि 1 मिनट अगर आओ बोला जाही अंतर एक तो आप मन के रिप्चर मत हो जाए। मैं जब प्रार्थना करता तो मुझे पता रहता कि कब प्रार्थना रुकना है, आज मैं एक बार आओ बोलता हाँ दरी खराब सोचा तो मैं स्वर्ग चलता हूँ तो मैं मर जहाँ या फिर स्वर्ग चलता हूँ, तो उतना दूर तक प्रार्थना थी जब मोर पसीना आत रही अंदर से मोर आठ फटत रही, पर कि मुझे पता है कि चीज कैसे होते। प्रेस द लॉर्ड, आप मन लगते मैं इसने प्रार्थना कर रहा हूँ मोर रस्म गलत लोग मना जाही मजाक कर रहा था, आप मैं पता है गलत लोग आई हाँ लगते का अब मैं लगते का मोबाइल कोई बकवास सुना सके कोई मोर ऊपर प्रेशर कर सका थे का गलत करे बर कमान, मैं आप मन के अंदर तक बल दहा कि आप मन सुधारे बर लग जहा। प्रेस द लॉर्ड, आप मन मोल का बिगाड़िया मैं तुम्हारे सुधार दहा, आप मन की बुराई में अतक ताकत नहीं कि मैं बिगाड़े बर जतका कन मोर प्रार्थना में ताकत है तुम्हारे सुधारे बर। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया। एहर का है मसीहत की लड़ाई,
मसीहत के लड़ाई जिला हर एक मसीह मल्ला लड़ना है वाई सब जन मसीह मल्ला लड़े बर है आप मां से कत्ता जन हवा ये मेरे कत्ता हवा जी कहे हा कि मैं लीडर नहीं बनाऊँ मैं भी हवा मेरा तुमन भी हवा करा अगर मैं स्कूल जानता अगर मैं तो लीडर नहीं बना दहा तो फिर नाम पास्टर अजक नहीं प्रेस द लॉर्ड मोला नहीं पता तुमन कौन मोला अपन प्रार्थना के द्वारा तुम मोला बदले बर आते प्रेस द लॉर्ड हालेलुया और वो मन आप मन भी का करता अपन बल्ला लगा था समझ में आते मैं प्रार्थना करना तो थोकन चीज़ ला बदल सका लेकिन हम सब जन प्रार्थना करबो तो बहुत कुछ बदल जाही प्रेस द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मसीहत के लड़ाई पड़ोसी कहा मसीहत के लड़ाई ओकर बाद हन कहन मसीहत के यात्रा सफर जब आप मन ये बल्ला लगा तो आप मन के जीवन उकाब के जैसे हो जाही ऊंचा ऊंचा और ऊंचा आप मन अपन जीवन ले बल के द्वारा उठाते जावा मैं हमेशा कहें आप अगर तुमन के घर में खाना नहीं है तो बाहर जाके देखा आत्मा जीता मैं देखता कि कैसे तुमन के घर में खाना नहीं रही अपन कर नौकरी नहीं है लेकिन आत्मा जीते की नौकरी कर ले देखता मैं कि कैसे तुमन जब पैसे नहीं आई मैं भी ये मेरा हवा मैं देखा था कैसे पैसे नहीं आई हिम्मत कहा मोर जगह नौकरी नहीं है मैं कहता आत्मा जीते की नौकरी कर ले जाके जीता आत्मा मैं देखता कैसे पैसे नहीं आई एक आत्मा जीतने वाला व्यक्ति ही गरीब नहीं हो सके तो आत्मा जीतने वाला करा पैसा रहते और जब आप मन आत्मा जीते जहा तो परमेश्वर आप मन के हाथ में पैसा रखी काबर पता है कि आत्मा जीतने वाला अगला पैसा लागती और परमेश्वर पता है कि आप मन आत्मा जीतने वाला प्रेज़ द लॉर्ड जब मैं मुंबई में आया तो बहुत से लोग मुझे पता है इसे मैं आत्मा जीतने वाला हूँ नौकरी नहीं ढूंढी 194 रुपये लेके आ रहे हूँ अगर कोई दूसरा लड़का ही मुंबई में तो क्या ढूंढी लेकिन मैं हम नौकरी नहीं ढूंढी हूँ ना ही मैं बिजनेस करे पर सोचे हूँ लेकिन मैं कहा सोचे हूँ आत्मा जीते पर मैं हाँ मोर जग बुद्धि हावे कार में मसीहा कतका जन नौकरी ढूंढीस लेकिन नहीं मिलीस लेकिन मैं हर नौकरी नहीं ढूंढे लेकिन दूसरा लाज नौकरी देता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया यदि नौकरी ढूंढी पता नहीं कतका जन लोग आ रही है हजारों लोग मन कहाँ है हूँ मन आज कोनो नहीं है मेरे काबर मल पता नहीं चाहिए कि कल में कहा है प्रेज़ द लॉर्ड अभी हम अप्रैल में 1000 चर्च शुरू करबो कितना चर्च 1000 चर्च है बल पड़ोसी बोला बल मसीहत के बल पहला बल का है पहला का है मसीहत के यात्रा सफर दूसरा का है मसीहत के काम और तीसरा का है मसीहत के लड़ाई अपन पड़ोसी बोला लड़ो लड़ो दोस्त बर लड़ाओ रिश्तेदार मन बर लड़ाओ उमल्ला यीशु मसीह के बारे में बतावा अतका बतावा कि उमल्ला अगर उमन झूठ ला सच मान सकत है तो सच ला सच का नहीं मान सके लोग मन मास्क वैक्सीन ला झूठ मानिस कि नहीं मानिस पूछा था मानिस कि नहीं मानिस आप मन के सच ला का नहीं मानते पर कि शायद आप मन उतकन बल नहीं लगाता और ओकर कुछ कारण हवे मत कहा लोग मन नहीं सुनते लोग मन झूठ मानत है चला नहीं माने का होइस सब हो गए ना खत्म हो गए कि नहीं कुछ बचे का काबर मन अपन बल लगात रिसे और हमन अपन बल लगात रहे प्रेस द लॉर्ड कार हमन के बल ओकर से ज्यादा रिसे प्रार्थना के बल प्रेस द लॉर्ड ओमन करा सरकार के बल रिसे पैसा के बल रही से लेकिन हमन करा का के बल हवे प्रार्थना के बल नहीं हैरान का मल्ला तो आप मल्ला पता चल कि ना हमन जुलूस निकालें जाके सड़क में प्रोटेस्ट करें याद करके देखा कि हमन का करे हन चर्च है का करी सड़क में गे हन ना मैं कहें का सड़क में जावा पाशा किस बोलीस का सड़क में जावा हमन कछु उपद्रव करें का हड़ताल करें का लेकिन का करें घुटना में जाके प्रार्थना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उमन ला समझ में नहीं आते सब कैसे बदल गए कैसे मन के पास बुद्धि आ गई कैसे सब के अंदर हिम्मत आ गई बोले के काबर की हमन का करत रहे प्रार्थना तो यही प्रार्थना है जिला लगातार आप मल्ला बरकरार रखना है प्रेज़ द लॉर्ड पड़ोसी कहा प्रार्थना करो लड़ाई लड़ाओ अच्छा युद्ध ले लड़ाओ अच्छा लड़ाई ले लड़ाओ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमन से मत लड़ाओ सही ना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हा युद्ध मसीह पड़ोसी बोला युद्ध मसीह बल मका है लड़ाई युद्ध प्रेज़ द लॉर्ड और हमन कहन मसीह के सफर यात्रा और वहाँ हमन सीखें जैसे प्रेम से चला बुराई लो मत करा उकड़ाओ मत याद है ना कतका धन याद हवा वो चीज़ पक्का और लगाता हो कि नहीं लगाता आप मतलब सिखाता हूँ मैं भी खुद लगाता हूँ काबर कि मैं आप मतलब सिखाता मैं नहीं लगा तो आप मन भी नहीं लगावा प्रेज़ द लॉर्ड अगर मैं कुड़ करा तो नहीं हाँ कुड़ तो नहीं करें
लेकिन जो जो कुछ कुछ करत रहे ओला भी बंद कर दे, समझ में आ गए तुम ला हालेलुया। तो का होइस कल हमन घर में कुछ काम करते हैं तो स्तुति वेबसाइट बनात रहीस थे, तो खाना भी बना दी, तो मैं कहें चल मैं खाना बना दी था, तब मैं दाल बनाए कुकर में और सीटी लगा दें, आधा घंटा हो गया सीटी नहीं बाजे थे, ये अपन काम करते से तो मैं कहें वो तो अपन काम न करें, और तो मैं आए फिर से ढक्कन लगाएं, फिर मैं बुलाएं कि ये सीटी काबू नहीं बाजे थे, वो कहते कि सीटी ला सही तो लगा देते, मैं सीटी ला दूसरा कुकर के ला लगा दे रही हूँ, तो उसने बहुत जन मन के थे जिंदगी आगे नहीं बढ़े, तो मैं कहता हूँ बल तो सही लगा ले, प्रेज़ द लॉर्ड का आगे बढ़ी। कतका जो हवा ही मेरा घर तो नहीं चल दिया, तो पिछले बार हम सीखे रहें कि परमेश्वर की सेवा हृदय से करो, कतका धन रहा कतका धन याद हो सिद्ध हृदय से करो, जैसे मैं कहें ना कि आधा बल ले परमेश्वर की सेवा नहीं कर सको, मैं कहें नीम हकीम खतरे जान, अगर आधा बल से कर आधा मन से कर तो आशीष के बदले में अपन श्राप लिया है, काबर की वो सेवा ला पूरा मन से होना जरूरी है भाई, पूरा मन से कहो तुमन एक्सरसाइज करे हो कतका जन करे है का एक्सरसाइज में भी आप मन बताते हैं बेटा एला उठा है तो सीधा ऐसे उठा है ऐसे, अगर ऐसे उठा है तो खींच जही हम से मत लगा याद हवे ना कतका जन याद है ऐसने ऐसे उठावे बेटा तो ऐसने रह जावे, तो उसने परमेश्वर की सेवा अगर आधा मन से करिया तब बढ़ा तो नहीं लेकिन टूटिया जरूर, तो बहुत झन लोग मन कहते हैं पास्टर हम तो सेवा करा था पीछे जाथन, मैं कहें मिलिस मोले आधा मन वाला एवं नसने कर थे सेवा ला खिंचा जही है, अगर आधा मन से सेवा कर आगे बढ़े एक जगह में नीचे लेटे हुए मिला, प्रेज़ द लॉर्ड, अपन बॉडी बनाया जहाँ बॉडी तोड़वा के खबर आप मन का करत रहा गलत तरीक़े से सेवा करत रहा गलत तरीक़े से एक्सरसाइज करत रहा, तहन आप मन बताएं कि परमेश्वर के सेवा कसना होते सच्चा हृदय से सही मन से प्रेम में होते सेवा खुश होके अपन मर्जी से आप मन के खुद के इच्छा होते आगे बढ़े बर कलीसल बढ़ाए बर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सुना था आप मन मर्जी इच्छा पड़ोसी कहा अपन इच्छा भुला थोड़ी यह जरूरी चीज आवे, ये मत कही है कि पास्टर मतलब बाइबिल पढ़ना पसंद है, पसंद करना तो बनावा, पूछा लड़की उनसे जब उनकी शादी हो जाती तो पति की पसंद मन की पसंद हो जाएगी, ये मत कहा कि मतलब बाइबिल पढ़े और पसंद नहीं है पास्टर मतलब आत्मा जीते पर पसंद नहीं है, पसंद करना पसंद करा वेला बाप मन मसीह आप मन के ही पसंद हो पर लागी, मतलब विश्वास से अगर आप मन जंगल में जाकर रहते नहीं कहा मतलब फल फूल पसंद नहीं है यही मिल ही अभी यही लिखावा सही ना, अगर फल पसंद नहीं है तो जंगल ले लौट के आ दो महीने के बाद तो फल खात हुए मिला, काबर की जंगल में चाइनीज भी नहीं मिला है पिज्जा डिलीवरी नहीं हुआ है बर्गर के दुकान भी नहीं हुआ वहाँ का मिल ही लटके हुए अंगूर और आम अमरूद खावा, मत कहा हमारा पसंद नहीं है, मैं कहें पसंद बनावा मन मसीहा और अपन पसंद ला बदलाओ प्रेज द लॉर्ड, काबर की आप मन बदल चुके हैं आप मन नया आओ हालेलुया, अब आप मन परमेश्वर के राज्य में हवा तो आप मन के पसंद है पुराना पसंद नहीं हो सके, आप मन के पसंद ला बदलना पड़ी नहीं कि मोला तो ऐसे कपड़ा पहनना पसंद हवे, बदलाव मोला ना दोस्त मन के साथ घुलना मिलना पसंद है नहीं बदलाव रिश्तेदार मन के संग में नाचे बार पसंद है बदलाव, रिश्तेदार मन के बिना हुआ नहीं अब हो ही बदलो पसंद ला बदलाओ प्रेज़ द लॉर्ड, मत कहा मैं ऐसने ऐसने नो हस बदलाओ आप मन काकर जैसना हो यीशु के जैसना हो प्रेज़ द लॉर्ड, शैतान ला आप मन ला धोखा मत दे बर कहा कि मैं ऐसने आऊँ पसंद मोला ज़्यादा लोग से बात करना पसंद नहीं मोर से नहीं हुआ है करे बर लागी, अगर यीशु ला सब ला बात करना आवा है यीशु ला सब ला जीते बर आवा है आप मन ला भी सब से बात करे बर सीखे लागी और सब ला जीते बर सीखे लागी, नहीं मैं इंट्रोवर्ट हूँ नहीं सब ला भूल जावा आप मन अब यीशु के जैसे हवा यीशु मसीह इंट्रोवर्ट नहीं से रहिस का तो उसने आप मन ला भी मसीहत में इंट्रोवर्ट करने की जरूरत नहीं अलाउ नहीं है, इंट्रोवर्ट के मतलब कि मैं अपन मन के बात मन में रखता हूँ मोले लोग मुझसे बातचीत करना नहीं नहीं अब सीखा पसंद ला बदला ड्रामा हर बहुत हो गया कि मैं इसने चाहूँ तो मोर सवाल है कि इसना काबर हो बदल जावा प्रेस और हालेलुया हंस सका था हा 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 परसल का बदलाव मसीह लोग बोला मसीह लोग जैसना यीशु है उसने तुम भी होना है बदलाव मुस्कुराओ ना इससे तीसरा
और दूसरा अनकाश किन धन्यवाद दीता। चलो पहले से सुनियो के पांचवा अध्याय के 18 वचन, फिर हम आगे जाबो। सब बात में धन्यवाद करा, पढ़िया मोर संग में 1-2-3 पूरा वचन ला एक बार और पढ़ा। थोड़ा सा आप मन अच्छा पढ़ सकत था अगर मैं आप मन के जगह में रहते था। पाशा कहते हम ऐसे पढ़े रहते हैं, सब बात में धन्यवाद करो काबर की मोर बर। अब समझ में सब पढ़ा 1-2-3 याद रखिया। बाइबल कैसे पढ़ते तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए, हाँ मोर बर। फिर से पढ़ा 1-2-3 हाँ। तो कभी मत कहिया कि मोला परमेश्वर की इच्छा पता नहीं है। आप मतलब पता है का दहा धन्यवाद भूलिया थोड़ी का दहा धन्यवाद। और तीसरा नंबर मैं कह कोई भी संदेश ऐसे नहीं कि जिले एक बार में ही सिखा दें। इनमें से सीख गए मसीह युद्ध अब तीसरा में जाना है, बाद में कोशिश करबो कि ये वाला ख़त्म हो जाए जल्दी। और आखिरी चीज ये मसीह जीवन हर आराधना की जीवन होते। प्रेज द लॉर्ड। मसीह जीवन का के आराधना के गीत के चला पढ़वो यूहन्ना 4:23 वचन दा। और वो समय आते और अभी भी है कि सच्चे आराधक पिता की आराधना ला गीत ला आत्मा और सच्चाई लेकर ही। अबर पिता हर अपन ऐसे आराधक ला ढूंढते। और आप मला कहानी पता हवे यीशु मसीह थक गिरी से और पानी पिए बर कुआं के पास गिस। वो मेरे एक मई लोग है सामरी मई लोग है। और यीशु मसीह हर कहिस कि मैं हाँ प्यासा हाँ मोला पानी दे। वो दोनों माँ बातचीत करे बर शुरू हो गए। और महिला का कहिस चला पढ़ू किस वचन ले। स्त्री कहिस कि मैं बिना पति के हाँ यीशु कथे कि तय ठीक कहता तय बिना पति के हाउस काबर तय 5 पति कर दार हस और जिकर पास ते हाँ चो भी तोड़ हूँ तय सच कहत हस। आगे हे प्रभु मोरे लगते कि तय बहुत स्वागत आज। आगे अब बातचीतें शुरू होते कि उनके बाप दादा पहले उनके बातचीत सब खत्म हो गए। अब उनके बातचीत अलग समझाते मेरा अभी मेरे स्त्री हर फिर कहते कि हमन के बाप दादा ये पहाड़ में आराधना करे। तय कहते कि वो पहाड़ जी मेरा आराधना करे बल लागे वो यरूशलेम में है। तो सामरी और यहूदी में ये लड़ाई रही से तो सामरी और यहूदी मन के लड़ाई है आराधना के ही विषय में रही से। सामरी मन के अपन आराधना के अलग तरीके से और यहूदी मन के भी आराधना के अलग तरीके से। तो दोनों जन फुटे आँख नहीं सुहात रही से और एक दूसरे बात भी नहीं करे यहूदी के अलग सामरी के अलग। और ये मेरे भी वही लड़ाई रही से इलाकार से सामरी और यीशु मसीह यहूदी रही से। हन के बाप दादा है ये मेरा आराधना करी सब तय के थस कि जहाँ आराधना करना चाहिए वह यरूशलेम में है। यीशु फिर मतलब कहिस यह बहुत इम्पोर्टेंट है कहानी समझ में आती ना। अगर नहीं समझ में आई तो सब कुछ मिस हो जाही। पूरा ध्यान लगा है कि बहुत बड़ी चीज है वही मेरा। ईश्वर और कही कि हे महिला और बात के ऊपर विश्वास कर और समय आते कि न तो तहाँ पिता की आराधना ये पहाड़ में करबे न तो यरूशलेम में करबे। तो लड़ाई कारी से कि वो का कहे कि हम प्रार्थना यरूशलेम के बाहर करबो और कि वो मन के अलग से पहाड़ से कहे कि हम वहाँ में प्रार्थना कर सकते तो यहाँ प्रार्थना कर। यीशु मसीह कही कि हे महिला मुझ पर विश्वास कर काबर की वो समय आते कि जे समय कि आराधना न तो ये पहाड़ के ऊपर कराए और ना ही यरूशलेम में आराधना कराए। ये खास से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला प्रसिल जगा लहा सुबह थी अगला खोदा तो सब लोग खोदा। ये सब लोग बड़ी चीज़ें जिले हर एक मसीला पता होना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ आते तय हर जिला नहीं जाना शुक्रिया आराधना करथस लेकिन हमन जिला जानथन हन ओकरी आराधना करथन काबर की उद्धार है यहूदी मन से हवे। और बताते कि अविश्वासी मला पता नहीं रहे कि उमन काकर आराधना करते जिला वो हर आराधना कहते वह बिल्कुल आराधना भी न है पर क्यों जानत नहीं है कि वो काकर सामने बोलना है वो का बोलना है। तुमन जिला नहीं जाना तो ओकरे आराधना करता सोच के देखो तुमन जिला नहीं जाना ओकरे आराधना करता और लेकिन हमन जिला जानथन ओकरे आराधना करथन काबर की उद्धार यहूदी मन से हवे। अगला ऑफिस आबो लेकिन फिर आगे जाके आओ ऑफिस आबो। अगला और वो समय आते लेकिन अभी भी हवा है कि जेमा परमेश्वर के सच्चे भक्त रहे ओ गॉड जेमा सच्चा भक्त मन पिता की आराधना ला गीत ला सच्चे हृदय से कर ही। और कि पिता हर इसने गीत गाने वाला मला ढूंढते पता नहीं कि मैं कतका घंटा में समझा पाहा कोई आत्मा हर मोर से सहायता करे। और वो समय आते और अभी भी हवा है कि
सच्चे भक्त अपन परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चे से करही। जो डिफरेंस आप मैंने दिखाई देना चाहत हुई हो ये हरे कि यीशु मसीह हर बताई परमेश्वर जेकर हम आराधना कथन वो उनके पिता है। प्रेज द लॉर्ड। काय पिता और यही जो चीज है जे यीशु मसीह ने कही से तुमन जल नहीं जाना ओकरे आराधना करता हो हमन जल जानथन ओकरे गीत गाथन। हर बता थे कि जो आराधना हवे बोले सिर्फ एक मसीह कर सकत है और मसीह से बाहर जे आराधना करत है वह आराधना नो है। बहुत खास है कि मन ला पता नहीं है कि कौन हवे सामने में। चला पढ़वो भजन सीता 96:5। काबर की देश देश के सब देवता हर तुम मुरा थे हर परमेश्वर नो है। बता थे कि तुम्हें जानत भी नहीं है तो कि करत कहा। काबर की जो मूर्ति के सामने तुम्हें नाचा था वह कोई आराधना या गीत नो है। पर देवता नो है वो परमेश्वर नो है। काय सिर्फ एक मूर्ति है मूर्ति बस और कि देश देश के सब देवता तो मूर्ति है लेकिन यहोवा है यह स्वर्ग बना है। तुम्हें नहीं जाना और तय जिला नहीं जाना सोकरे आराधना तुम कर था। तुम्हें लगा था कि मैं वो मूर्ति के सामने नाच के खुश करके नहीं आया बेकार है। कोई आराधना एक गीत नो है वह आराधना नो है। काबर की वो हर काय एक मूर्ति है। काबर की मैं कोई परमेश्वर नहीं हूँ आराधना हो नहीं सका। लिखे मेरे बाइबिल में मैंने अपन बोर से नहीं बोलता लिखा है सब देता है तो का है मूर्ति ही है। 4:28 ओ मेरे तुमन मनुष्य के बनाए पत्थर लकड़ी के देवता की सेवा कर रहा था यह न तो देखा है न खावे न सुंग है। मैं कही कि जिला तय जानना थी ते करते आराधना कर रहे थे मैंने तो आराधना किए था पता है भी नहीं है कार हा नंबर सात पहले तुम समझ लो काबर की है बहुत जरूरी मसीह मन के लिए। प्रेस द लॉर्ड। और तुमन पत्थर और लकड़ी के बनाए हुए देवता की उपासना करा जे न तो देखा न सुने और न तो खावा न तो सुते। और मैं कहीस कि ना कि जिला तुम नहीं जाना तुम ओकर सेवा और आराधना करता लेकिन लेकिन हमन जिला जानथन ओकरे हमन गीत गाथन आराधना करते। तो जब आप मन आराधना करे पर है तो आप मन सबसे पहले काला जानहा परमेश्वर ला अपन पिता के रूप में ग्रहण करा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आप मन बिगर परमेश्वर जाने ओकर आराधना नहीं कर सका नहीं कर सका। चला वो एक वचन देखो उसका 4:11 हे हमन के प्रभु ओ परमेश्वर तय ही महिमा आदर और सामर्थ्य योग्य हवस पर की तोरे वजह से सब वस्तु सीजे है और तोरे इच्छा से सजे हुए वस्तु जेकर हम आराधना नहीं कर सकते। मन आराधना काकर कर सका था सिर्फ सृजनहार के। प्रेज द लॉर्ड। काका संग्रहण सृजनहार के तो आप मन कोई मूर्ति की आराधना नहीं कर सका कोई फोटो की आराधना नहीं कर सके। कई जन तो यीशु के फोटो लगा के आराधना करते तो अपन का कर सकते। आप मन क्रिश्चियन भी आओ में लगा ले क्रूस और मैं फूल चढ़ा के अपन प्रार्थना करा था तो का करा था भाई। और फिर बना लेते संत पतरस की मूर्ति ला मन मरियम की मूर्ति और कर का करा था आराधना हर वाले से बात नहीं करता सही खड़े हो जाए कोई क्रूस के सामने माँ का करा था तू मन परमेश्वर क्रूस में नहीं है परमेश्वर फोटो में भी नहीं है परमेश्वर है मरियम की मूर्ति में भी नहीं है पतरस की मूर्ति में नहीं है ऋषि परमेश्वर में नहीं है का करा था मदर मेरी मुरली प्रार्थना कर दे प्लीज मरियम के नाम से ही सब है आप मन आराधना की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सहमत में आ गया कि आराधना उसके बारे में सिखा गई कि वही वजह से कि जिला तुम नहीं जानो कर आराधना करता लेकिन जिला हम जान था नो कर आराधना करते हैं। आराधना हम का है जान पहचान। प्रेज द लॉर्ड। का हुआ है जान पहचान जिससे नया आदमी आए सो कहीं कोई यार तो बहुत अच्छा आदमी है वाह तो जिससे कुछ नहीं है और अब ओ का कही चापलू से जिल में जानती नहीं तो मेरे बारे में का कही अच्छा कही की जा गलत का समझा होंगी समझी तुमसे आराधना है बहुत ही जरूरी है गीत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आराधना बहुत जरूरी है। लुका 19:7 आराधना आराधना कतका जरूरी हवे परमेश्वर की आराधना हमन के पहली काम है। प्रेज द लॉर्ड। सुनत नापन का है पहला लुका 19:37 कट आते जब वो जैतून पहाड़ के ढलान में पहुंची सचेला मन चमन के सब मंडली हर वो सामर्थ के काम जिला देखे से खुश होके बहुत बड़े शब्द से चिल्ला के परमेश्वर की स्तुति करीस नहीं ना तो यीशु मसीह चमत्कार करीस और सब चिलन मिल के काका से ओका स्तुति महिमा आगे धन्य हो राजा जेहर प्रभु के नाम आते स्वर्ग मा शांति अवकाश मंडल मा महिमा हो
का करत हे आराधना और स्तुति करत हे कैसन बात हर समझ में आते का चलत हे आराधना स्तुति आगे तो भीड़ मेले कोई लोग मन कहने लगीस कि हे गुरु तोर चेला मला डांट आगे ओ हर ओला उत्तर दीस कि मैं तोला कहता हूँ अगर मन चुप चाप रही जही तो पथरा भी है चिल्ला उठी प्रेस द लॉर्ड हालेलुया और बतात भी से कि आराधना कतका जरूरी है तो पता है कि मैं का सिखा था तो अपन चिल्ला उठिया चलिए 1940 पत्थर चिल्ला उठी और का करी प्रशंसा और बड़ाई करी प्रेस द लॉर्ड एक मसीह मन भर परमेश्वर के आराधना है सर्वोपरि बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वोत्तम है सबले पहली मसीला आराधक होए बर लागी प्रेस द लॉर्ड आप मन नहीं कह सका कि मोला आराधना करे बर नहीं आवे आप मन ला परमेश्वर की आराधना करे ज लागी कावर की परमेश्वर आपन से आराधना ला मांगथे मन नहीं कह सका कि मैं आराधना नहीं करम हमन और आप मन एकरे बर बने हन प्रेस द लॉर्ड पड़ोसिल कहा कि हमन और आप मन एकरे बर बने हन हमन और तुमन एकरे बर बने हन काकर बर बने हन परमेश्वर की आराधना बर प्रेस द लॉर्ड चले रोमियो 1:21 ला पढ़बो बल ये हरे पड़ोसिल बोला बल ये है देख का लिखा है कि एकरे बर परमेश्वर जाने पर भी उमन परमेश्वर के बड़ाई और धन्यवाद नहीं करीस और व्यर्थ विचार करने लगीस यहाँ तक कि उमन की निर्बुद्धि मन हर अंधेर हो गए जब आप मन आराधना नहीं कराओ तब आप मन अंधकार में जीने लगता लिखे हवा में अपन के पास आराधना का टाइम लिए हाँ उनका थोड़ा प्रेस रेडी मन ही है लेकिन आप मन का पता है कि आप मन कहाँ जाते हैं नहीं कि हाँ जब बीमार मन पर प्रार्थना हुई था मन आपो फिर बार ओन परमेश्वर ला जान के भी ओन परमेश्वर के आराधना याद है ना तीस में से का कहिस कि जेला तुम नहीं जाना फिर आराधना करता तो जेला हम जानते हैं लेकिन परमेश्वर में का बात करते हैं कि वो लोग मन ला जे मन परमेश्वर जाने में भी हम और आप मन उन परमेश्वर के ला जाने के बावजूद भी परमेश्वर के योग्य और सच्चाई से मतलब कि वो आराधना है जो परमेश्वर की योग्य रहते ना कि वो हर जिल तुमन दे था ना वो जिल तुमन कर था लेकिन वो हर परमेश्वर की योग्य परमेश्वर के लिए खास है जो हर ओकर लायक हवाए पर कि मन परमेश्वर जान जाने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर से बड़े और धन्यवाद नहीं करीस और उल्टा उमन व्यर्थ विचार करने लगीस और यहाँ तक तुमन की निर्बुद्धि मन अंधियार हो गए ये काकर बात करते एक मसीही मन की कज मसीहा जो लगातार गलत निर्णय लेता अभी जवानी में कदम रखे नहीं बॉयफ्रेंड बना लीस गर्लफ्रेंड बना लीस यार की मसीह मन के निर्बुद्धि मन का हो गया अंधेरा हो गया है सब गलत चीज है मतलब पसंद है अपन निर्बुद्धि मन बुद्धि मन अंधियार हो गया है मतलब हर एक गलत चीज पसंद हवे सब अच्छा चीज लो मन दुर्भाग थे क्योंकि परमेश्वर जाने के बाद ही तुमन की जिम्मेदारी हो जाती है तुमन परमेश्वर के योग्य होके नाते परमेश्वर के बड़ाई और धन्यवाद करो बड़ाई प्रशंसा स्तुति आराधना जब आपन परमेश्वर की आराधना नहीं करिया तो आपन के पास का ही बेकार बेकार विचार सही बात है आप मन गलत लगी होते बहुत झन से तो मैं सोचा कि प्रभु सही बात में गलत झन बहुत झन है जिला हर समाधान में परेशानी नजर आती प्रेज़ द लॉर्ड मिले तुमन कभी उसने लोग में से नहीं मिले हर समाधान में कहा थे परीक्षा लीडरस ने बोला कि लड़ी का मोर रिकॉर्ड का नहीं भेजे बोले तो पास्टर बुलाई दी पास्टर हाँ वो मन के पीछे पड़े रहते पास्टर आप मन के पीछे पड़े रहते मगर दिमाग सही तुमन के कर से गलत का है वो पास्टर जे हर घुटना में प्रार्थना करके तुम्हें चर्च में लाते और पास्टर जो मैं लात मार के भगाना चाहूंगा कहना है है कि दिमाग से कि मोले ये बता दियो कि तुमन आराधना नहीं करा तो जब आपन आराधना नहीं कर रहा तो आपन के गलत सोच रही आपन ला सही चीज समझ में नहीं आए आपन नहीं देख सका काबर की कावर की परमेश्वर के आराधना है बहुत जरूरी है एक बार मन परमेश्वर जाने के बाद भी परमेश्वर के बड़ाई और धन्यवाद नहीं करीस और उल्टा व्यर्थ विचार करीस यहाँ तक कि मन की निर्बुद्धि मन व्यर्थ हो गई यह बल आराधना सबसे बड़े बल अपन अपन जीवन में लगा सका था मत कहा कि मोला गाना नहीं आवा सब हर दिन रोज रोज नया गाना आते अरे कमान जितना ज्यादा हम नया गीत नहीं ला नौकर से ज्यादा पिक्चर लगते पिक्चर में नया नया गाना गाता थे तो बोले थे जीवन सब सीखा थे तब मोबाइल लेके धीरे 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 चर्च गाना आते थे हाँ फिर आगे नया हाँ नई गावन क्रैश हमेशी मावा हर बार नया गाना रहते हम तो पुराना वाना ला ही गाबो नीला बादल के पार मजाबो कथा पहले जहा का एक बारे में तो सोचा जहा तेकर तभी बात कर गाना है गा थे
नीला बादल के पार जाबो और ये ईश्वर रही थे ओ जी हाँ। फिजिक्स वाला उन भी आप मन के गाना सुनी था आप मन के ऊपर केस कर दिए कावर के बादल के कोई का रंग नहीं रहे वो तो आप मन के आँख से दिखते नीला कतक समझ में इस कार टेक्निक निकल झोपड़ी से कत समझ में इस ऐसा ना बादल के रंग का नीला रहते आप मन दिखाई देते नीला कावर के हमेशा परिवर्तन होते रहते पढ़े ना सही ना बचपन में पढ़े ना नहीं पढ़िया इस पढ़े नहीं पढ़िया बादल नीला काबर दिखाई देते तारा टिम टिम काबर करते टिम टिम करते तारा टिम टिम नहीं करे अगर नहीं पता तो आज बताता हूँ पड़ोसी कहा तारा टिम टिम नहीं करे आसमान है नीला नहीं है समझ मान रखे ना आप मन ला आसमान है नीला नहीं है वो तो अपन गाना गा नीले आसमान के सबसे पहले गाना ला पर क्या आप मन नहीं जाना था लेकिन हम जाना था प्रेस द लॉर्ड समझ मांगे मन जानथन कि हम का करथन हालेलुया सुना था ना चला पढ़वो फिर से यूहन्ना 4:23 इमें लिखे है कि सच्चा भक्त है परमेश्वर के पिता की आराधना ककर आराधना सब आदमी उन परमेश्वर की आराधना नहीं कर सका है लेकिन परमेश्वर ओकरे से आराधना लेते जो है ओकर बेटा है बेटी है प्रेज द लॉर्ड समझ में आते ना आप मन ये है रो बहुत अच्छा चीज है जिले यीशु मसीह पता थे पिता की आराधना काबर के वो सामरी मन पर परमेश्वर है पिता नहीं रही से यीशु मसीह का बोला थे कि पहला परमेश्वर है तुमन के का होना चाहिए पिता आप मन के ओकर संग एक रिश्ता होना चाहिए आप मन ओला जाने पर लागी कि वो हर कौन है पर जिला तुमन नहीं जाना ओकर आराधना नहीं कर सके परंतु परमेश्वर सोच के देखा कि वो समय आ थे और अभी है जिमा सच्चा भक्त हर पिता के आराधना ला आत्मा और सच्चाई से करी और कि पिता है बोला पिता अपन बर सोच के देखा कि पिता है अपन बर रात के ढूंढ थे राधक ले ढूंढ थे इवे दुनिया काला ढूंढ रहे थे और पिता है सच्चे आराधक ले ढूंढ थे प्रेज द लॉर्ड काबर की ओकर आराधना कौन कसना कहे थे जान के बोला जान के बोला वो कौन सा गाना जिसे के जीवन दो दिन के भजन कर भैया कौन ला थे गाले वा जिला थे तेहा गावा काय गाना है यीशु के नाम है सुख दैये भजन कर भैया ये जीवन हर दो दिन के ये जीवन दो दिन के मैं कहता हूँ अंधविश्वासी मन भी कहते कि जीवन 4 दिन के ये मैं विश्वासी मन चाल घटा के दू कर दीस यीशु का कहिस का देहे अनंत जीवन और अविश्वासी का कहे है 4 दिन के जीवन लेकिन ये विश्वासी मन 4 में के 2 लभी हटा दीस प्रेज द लॉर्ड यीशु का नाम सुख ए मो कौन से सुख आवे भाई यीशु के नाम सुख दई भजन कर भाई ए जीवन हर 2 दिन के एक्शन का ही कर काबर की ये सब अपन भावना से जिए थे एक लड़की ल देखे तो ऐसे लगी जैसने डड़ा 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 प्रेज द लॉर्ड मन वही हॉलीवुड बॉलीवुड ला के कहाँ छोड़ दी चर्च में बॉलीवुड नो है भैया यह चर्च है ये बॉलीवुड नो है जेकर मन में जो ऐसो गाली ऐसा नहीं हो सबसे पहले कहो ने संबंध साधना करे का अधिकार काला देह सिर्फ बच्चा मतलब प्रेज लॉर्ड प्रभु के काला अधिकार है हर दुनिया अगला परमेश्वर की आराधना करे का अधिकार है सिर्फ होकर बच्चा ला काबर के सब अधिकार नहीं है काबर के मन जानते नहीं है ये का है खावा अपन हाथ और कर प्रार्थना रे बशे खर बनंदल बर रंदरि बहल बश खंदरि र र र रंदल रिखंद बशंग रिकल बंतर र बश खरंदल बर इंदरि लबल बर बश खंदरि कल र र रंदल महिमा हालेलुया। अगर आप मन पहली बार आए हैं तो हम स्वागत करना चाहतन खड़ा हो जावा जहां में रहा आप मन पहली बार आए तो जोर से ताली बजाबो हमने मन पर ताली आप मन के लिए सो धन्यवाद और आप मन मुझसे प्रार्थना कराओ आँख बंद कर लेवा और यीशु अगर आप मन के प्रभु ने ये समय है कि आप मन यीशु ला अपन जीवन देवा और ग्रहण करा और बोला प्रेमी परमेश्वर पिता मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह माँ जिंदा परमेश्वर के बेटा माँ मैं हर विश्वास करा था कि वो हर मोला बचाए बर क्रूस में मर गए और परमेश्वर पिता हर ओला मुर्दा मले तीसरे दिन जिंदा करीस और आज हर जिंदा हवा मैं अपन मुँह ले घोषणा करा था कि यीशु मसीह हर जिंदा परमेश्वर के बेटा और प्रभु ये अमर स्वामी ये मैं हर आज ले बांझ गया हूँ मैं हर आज ले परमेश्वर के बेटा हूँ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद हर नया जन्मे हूँ
धन्यवाद मुला बचाए पर यीशु मसीह के नाम आमीन। प्रेज द लॉर्ड। से ताली बजा सकत है मन पर फिर से स्वागत है आप मन के परमेश्वर के राज्य में और हमारा बहुत आनंद हवाए आप मन यहाँ आया है बहुत बहुत धन्यवाद। एकर से पहले आगे बढ़ी कि मैं अपन के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर धन्यवाद बच्चा मन पर जे मन अभी यीशु मसीह ला ग्रहण करी से घोषणा करता हूँ कि यीशु मसीह के नाम हर ओमन के ऊपर सदा बने रही मसीह के नाम में ओमन ला कोई चीज के कमी नहीं हो। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शैतान के कोई भी दावा और कब्जे मन के ऊपर नहीं मैं मन आशीष देता हूँ बुद्धि ज्ञान समझ और आत्मा के संग यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हमन के भेंट हमन के दशवांश हमन के पार्टनरशिप हमारे दशवांश देवर हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हम उस परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं जो हमारा चरवा है वो हर एक चीज हमें देता है हमें हर चराइयों में चराता है। स्तुति प्रशंसा हो सदा बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना बोलो जय 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 यीशु की जय। स्तुति प्रशंसा हो वे सदा बोलो जय 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 यीशु की जय। आओ हम मिलकर करें वंदना बोलो जय 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 यीशु की जय। तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया हालेलुया। यहोवा चरवाहा मेरा हमें चलाता है हरी चराइयों में हमें चराता है। ओ यहोवा चरवाहा मेरा यो मेरा चरवा है हमें चलाता और वो हमें चलाता है जहाँ पे हरी हरी चराइयों में वो हमें वहाँ पे चराता है हमें चराता और हमें हमें ना किसी चीज की कमी है हमें ना किसी चीज की घटी है। आओ हम मिलकर करें यीशु की प्रशंसा की प्रशंसा। आओ हम मिलकर करें यीशु की महिमा सब मिलकर गाएंगे यीशु जरूर बादलों देखो 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 वो आ रहा है न्याय करने यीशु बस आएगा एक दिन बादलों पर। क्या तुम उसके लिए तैयार हो क्या तुम यीशु के लिए तैयार हो। यीशु की प्रशंसा आओ मिलकर करें यीशु की महिमा तो गाओ हालेलुया हालेलुया तो गाओ हालेलुया Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah.
करबो। धन्यवाद देव परमेश्वर पेड़ पर, धन्यवाद देथन परमेश्वर जे भेंट लता हमें लाए बर अवसर दे हस। धन्यवाद देता और पवित्र आत्मा द्वारा भेंट ग्रहण हो बर, जैसे तोर बच्चा हर देहे प्रभु बढ़ी हुई फसल तेजी से आती सुनस के नाम में। धन्यवाद देथन और भेंट में तोर आशीष मांगथन, वहान करथन बढ़ोतरी बर और राज्य के विस्तार बर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कुछ इतने ही ध्यान से सुना, सबसे पहली हवे पहली है लीडरशिप। लीडरशिप के कोर्स चला थे, चार क्लास अपलोड हो गए और एक सप्ताह में बाकी है, पूरा सबर हो जाही। तो प्लीज़ आप मन लीडरशिप के कोर्स अटेंड करना है वह ध्यान में रखिया। हमन कहें मसीह मंद के यात्रा और मसीहत के काम, तो आप मन नहीं कह सका कि हम लीडर नहीं बन सकन। जब तक लीडर नहीं बना तो मसीहत के काम ला कैसे करा, तो अगर मसीहत के काम ला नहीं करिया तो एक ठब्बल हर ही जाही। आप मन चाहिए जीवन ला आगे बढ़ाए बर, तो बेवकूफ नहीं बने। नहीं पास्टर हमन ला लीडर नहीं बने जा सके, बस हमन आबो चल देबो। मुला कोई परेशानी नहीं है कि आपन आवा और चल देवा, लेकिन आप मन परेशानी हो सकत है काबर जहाँ तक आप मन पहुँचना है वो मैं नहीं पहुँच सका था, खबर कि वो तीनों बल चाहिए सही ना। मसीहत की यात्रा, मसीहत के काम और मसीह मन की लड़ाई। मैं पास्टर हाँ और आप मन झूठ नहीं बोलो सही ना, मोर काम है सच्चाई बताना, हालांकि आप मन पसंद आवे मत आवे। हालेलुया। लीडर और लीडर होना बहुत आसान है, कोई करना है जिला हम तुम्हारा करे बार कहो। आप मन अपन मन से कुछ सोचे की जरूरत नहीं है, कैसे करना है एला हम सिखाथन, तो ट्रेनिंग ला अटेंड कर। प्रेज द लॉर्ड। फिर हमन कहन प्रोजेक्ट 5000, हमन कहन कि हर एक मेंबर है एक लीडर, और हम कहन कि हर एक लीडर है एक प्रोजेक्ट है, 5000 पार्टनर मन बनावा कि आप मन एक युद्ध लड़ाई ला लड़िया सही ना। तो प्रार्थना करो, अहन प्रार्थना करबो, हमन के संग में प्रार्थना करो। आत्मा जीता, का जीता, आत्मा ले जीता, और अगर आत्मा जीतिया तो प्रभु आप मतलब बड़ी बातें बता सकी। बहुत जन्म के थे अरे वो मोला तो प्रभु बड़े बात नहीं बताईस, मैं कहता कि आप मन प्रभु के साथ काम नहीं करिया न था अपन, काबर नए जीवन पाए बर नया ज्ञान की जरूरत है, और नए ज्ञान का वही जब प्रभु आप मतलब दही, प्रभु आप मतलब कब दही, जब प्रभु के काम ला अपन करिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खड़ा होबो, परमेश्वर ला धन्यवाद करबो। उनके 36 ऑनलाइन चर्चेज हवा 22 भाषा में, व्यस्क मन के लिए 14, बच्चा मन के लिए मन ला इस्तेमाल करा, और हम उनके खुद के चर्च के एप्स अवे क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया फर्स्ट फ्लाइट ये हम उनके। अगर ये एप्स आप मन के पास नहीं तो प्लीज़ डाउनलोड कर लेवा, आप मन बहुत कुछ अच्छी चीज़ पा सकता था। प्रेज द लॉर्ड। अपन हाथ उठाबो और धन्यवाद देबो। परमेश्वर पिता के प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हर हम उनके साथ सदैव बने रही, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस भले यो करुणा हर सदा मोर जीवन में निवास करी, और मैं हर सदा बार परमेश्वर के घर में निवास करी हूँ, यीशु मसीह के नाम में आमीन। धन्यवाद। आनंद मनावा, वचन का करते काम करते। प्रेज द लॉर्ड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू एंड गॉड bless you.